तख्त श्री दमदमा साहब तलवंडी साबो के दर्शन तो तुसी सब ने किए ही होंगे, पर दिल्ली च भी गुरद्वारा श्री दमदमा साहब सुशोभित है, जिसनों की दसवें पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की चरण छोह प्राप्त है। यह गुरद्वारा साहब हमायूं के मकबरे अते हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह के नज़दीक ही सुशोभित है। कहते हैं कि साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने बादशाह बहादुर शाह नाल इस अस्थान ते 1707 नूं मुलाकात कीती सी ते उन्हां दी याद विच ही इत्थे गुरद्वारा साहिब सुभायमान है। इतिहास दसदा है कि बहादुर शाह दे दिल्ली तख्त उपर काबज़ होण तों बाद साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने दिल्ली आगमन कीता सी ते सिख फौजां समेत अपनी रिहायश नेड़े धौला कुआं विखे कीती सी। गुरु साहब की बादशाह दे नाल मुलाकात का स्थान हमायूं दे मकबरे अते हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह दे कोल मुकर्रर होया सी। शुरू की मुलाकात दौरान गुरु साहब ने बादशाह नूं वेरवे समेत उन्हां फौजदारां अमीरां ते वजीरां ते पहाड़ी राजां दे नाम दिते जिन्हां ने मासूम साहिबजादियां ते निर्दोष सिखां उपर जुल्म ढाया, धोखे ते फरेब नाल आनंदपुर साहब खाली करवाया सी। गुरु साहब की पूरी दास्तान सुनन तो बाद बादशाह ने भरोसा दिता सी कि तख्त नूं सुरक्षित करन उपरांत इन्हां सब दोषियों नूं सख्त सजावां दित्तियां जाणगियां। इस मुलाकात तो बाद शाही फौज ते सिख फौज ने अपने अपने जंगी करतब दिखाए। बादशाह सिखां ने फौजी करतब वेख के कायल हो गया ते बाद च जंगी हाथियां दी लड़ाई करवाउण दा विचार बनाया गया। गुरु साहिब ने शाही जंगी हाथी दे मुकाबले च अपना जंगी झोटा लिआंदा। उस समय हर कोई हैरान रह गया जदों गुरु साहिब दे जंगी झोटे ने शाही जंगी हाथी नूं कुछ पलां च ही चित कर दिता। बादशाह यह सब कुछ वेख के गुरु साहिब दीआं जंगी मशकां दा कायल हो गया सी। इन्हां घटनावां दी याद च उसारिया गया यह गुरद्वारा दमदमा साहिब साहिबे कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की अलौकिक शख्सियत की याद दिवाउंदा है।